हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, स्टडी हाउस इटावा। इसे देखें और सब्सक्राइब करें। मेन इम्पोर्टेंट्स इसमें जो आज हम इसका जो पार्ट लेके चल रहे हैं, विज्ञान कक्षा 10, इसमें जो सिलेबस दिया गया है, क्या क्या मेंटेन किया गया, क्या क्या इसमें डिस्क्रिप्शन हैं और क्या क्या दिया गया है, तो इस समय हम जो विज्ञान का जो भाव लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हम जान लें कि विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं वो विज्ञान है क्या। तो विज्ञान का मीन्स क्या होता है? विधन ज्ञान, मतलब इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो विज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं? विशेष ज्ञान की अनुभूति और प्राप्त करते हैं। इसके कुछ नियम्स होते हैं, कुछ अलग अलग टिप्पणियाँ होती हैं, अलग अलग से हम अगर खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, तो इसमें भी सभी साइंस का एक एक माध्यम होता है। तो विज्ञान में क्या है? तो कक्षा 10 में जो विज्ञान दिया गया है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, इसमें जो चैप्टर की जो कम्युनिटी दी गई है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे अर्थ ये समझे जो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मतलब हम लोग जाने क्या होता है। प्रकाश मतलब ये होता है जैसे एक लैंप भी रखी है और एक हमारी तरफ सूर्य भी है, तो हम इन लोगों में भेद और टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कैसे देखते हैं प्रकाश क्या होता है। आपको पूछ बैठे प्रकाश की हमें परिभाषा बताओ, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का क्या माध्यम होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल भाषा में से जानेंगे और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। बहुत सरल है विज्ञान, हम लोग मतलब कंडीशन बना लेते हैं विज्ञान मुझे आएगी नहीं, कैसे करेंगे कंप्लीट, किस तरीके से करेंगे। तो विज्ञान का मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु रखी है, ये हमारा सूर्य, इसकी लाइट पड़ रही है और ये यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी है, तो क्या होता है कि जिस इसकी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जिसी वस्तु पर पड़ता है और हमारी आँख उस वस्तु को देख लेती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकें, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश। अब जैसे प्रकाश में क्या कहलाता है? सूर्य है, तारे हैं और अन्य बहुत सारी ऐसी जो अन्य पार्ट्स हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि, मतलब ये कृत्रिम स्रोत हैं। अब रीजन क्या होता है कि ये मतलब ऑलरेडी कंप्लीट बने हुए हैं। अब जैसे इनकी वजह से देखा जाए, मोमबत्ती है, बल्ब है हमारा, तो ये हम लोग इनकी सहायता से देख सकते हैं। अब जैसे मोमबत्ती, दिया, मिट्टी का तेल का लैंप और विद्युत बल्ब आदि, ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब हम कोई प्रकाश को उसमें जलाने का माध्यम या इससे कोई हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश में भी कोई लिमिट्स होती हैं। प्रकाश ही मतलब जैसे प्रकाश हमने बताया कि प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रकाश में दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तु का बहुत सरल है, जो वस्तुएं या जो पार्ट्स कोई जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? दीप्त कहलाता है। अब जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, तो ये अपने आप में दीप्त वस्तु हो गई। अब जैसे प्रदीप्त होता है जो वस्तुएं जो दूसरे के माध्यम से चमकती हैं या किसी के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त। तो ये दीप्त हो गया, ये अप्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएँ। ये बहुत सिंपल है। दीप्त क्या होता है? सूर्य, तारे आदि अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। अप्रदीप्त जैसे मोमबत्ती है, बल्ब है, ये हमारे दिए हुए प्रकाश है, हमारे कोई निर्मित वस्तुओं से बनाए जाते हैं तो वो चमकने लगते हैं। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा अंतर हो जाता है अलग अलग। अब किससे परावर्तन होता है? देखो, कोई वस्तु ऐसी जो स्वयं प्रकाश रखती हैं और कुछ वस्तु जो होती है स्वयं प्रकाश नहीं रखती हैं। इसमें क्या होता है, आप जैसे हम इसमें क्वालिटी चेक करें, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश के गुण अगर जानने का हम कोशिश करेंगे, तो प्रकाश, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पा सकते, मतलब जो क्वालिटी जो होती है प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं ही दिखाई देता है, हम प्रकाश को नहीं देख सकते। अब जैसे मोमबत्ती जला रहे, तो मोमबत्ती को हम देख रहे हैं वो जल रही है। अब प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम देख तो सकते हैं, पर हमें ये महसूस नहीं होता ये चमक कैसे रहा है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय भी होता है। तुमने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई बल्ब जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें महसूस होती है, तो वो स्वयं विद्युत चुंबकीय भी होता है। उसके बाद प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश निर्वात में कैसे चल सकता है? जैसे कहीं भी अगर कोई अंधेरा हो एकदम तुरंत, वहाँ पर अगर लाइट पड़ जाती है तो प्रकाश वहाँ भी चला जाता है। तो प्रकाश की अगर हम चाल चेक करेंगे, जो हमारा सूर्य है उसकी क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर। तो ये प्रकाश की चाल होती है। अब जैसे अगर हम थोड़े प्रकाश के बारे में जान लें, सूर्य जो है वो उसकी जो लिमिट है अपनी पृथ्वी तक आने की वो क्या होती है। अब देखो,
प्रकाश बहुत सिंपल है, सूर्य। सूर्य अब अगर हम भारत में सूर्य की जो प्रकृति चेक करें, सूर्य कहाँ से निकलता है, किस तरीके से आता है, वो जान लें। हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है हमारे भारत में। अगर और अगर विदेश में चेक किया जाए, सूर्य कहाँ से होता है, सूर्य न्यूजीलैंड एक देश है, वहाँ से सूर्य का मतलब उद्भव होता है। उसके बाद हम अपने भारत में सूर्य का जो उद्भव देखते हैं वो अरुणाचल प्रदेश से होता है। इसका जो लिमिट क्या होता है, मतलब आने की देरी क्या होती है, अपने पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है, 8 मिनट ऐसे कुछ 30 सेकंड में ये पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये प्रकाश की कुछ क्वालिटीज अलग अलग हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अब ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जो प्रकाश का जो लिमिट होता है लगभग 3900 एंगस्ट्रम होता है। ये एंगस्ट्रम की जो डिटेल्स है वो क्या होती है, 10^-10। ये भी हम तो बताएंगे, +10 होता है। तो ये एंगस्ट्रम की लिमिट्स क्या होती है, ये भी हम एंगस्ट्रम के क्वेश्चंस कराएंगे तब तो समझ में आ जाएगा। तो ये प्रकाश की कुछ लिमिटेशंस होती है। प्रकाश का जो मेन होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम होता है। अब जैसे हम अगर हम खड़े हुए हैं, जैसे कोई वस्तु हमारे पास पारदर्शी हो तो उस प्रकाश में पार भी कर सकता है कुछ, जैसे कोई वस्तु अगर ठोस होती है उसमें हम पार नहीं करा सकते। जो हमारा चैप्टर था उसमें हम दोबारा आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो ध्यान से, बहुत सरल है। प्रकाश का परावर्तन, हम परावर्तन किस तरीके से करते हैं, ये सूर्य हमारा जब इस पर लाइट पड़ेगी तो वो क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश अपने आप में परिवर्तित हो जाए। मान लिया सूर्य के सामने हम एक कांच रख दे रहे, कांच रख दिया, तो यहाँ पे जब सूर्य पड़ा तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन देता है, ये सूर्य यहाँ से गया और यहाँ से इस माध्यम में लौट आता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश की किसी भी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जैसे हमसे यहाँ से मैंने प्रकाश डाला इस वस्तु पर, तो ये कांच लगा हुआ, ये किस चिकना तल है। अब चिकने तल के लिए देखो, यहाँ पर कांच भी हो सकता है, कोई चिकनी वस्तु भी हो सकती है, टकराकर तुरंत उसी माध्यम में वापस लौटा, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या प्रकाश की लिमिट्स क्या क्या होती हैं, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से किस माध्यम में आ रहा है, तो वो अभी हम फिगर के माध्यम से बताएंगे। तो ये फिगर चेक करेंगे, जब कोई हमारा ये दर्पण है, कांच का दर्पण है, जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती हैं तो जो जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये सीधी किरण यहाँ से जा रही है सूर्य की, ये यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखा जाए कुछ उसमें एंगल्स भी बनते हैं, आपतन कोण बनता है, परावर्तित कोण बनता है, क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, देखो जब हमने किसी सूर्य से हमारे यहाँ रोशनी इस दर्पण पड़ती है, तो यहाँ से जब किरण वापस लौटती है तो ये क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया आपतन बिंदु। अब ये याद रखना, ये एन है हमारा, ये दर्पण का मिड पॉइंट है। तो जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है, जहाँ पर किरण पड़ रही है और जहाँ पर ये टकराती है और वापस लौटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, जिसे हम एन से निरूपित किया। अविलंब चेक करो, अविलंब हम कैसे पता करेंगे, अविलंब क्या मतलब क्या होता है कि जिस ये एन से टकरा रहा है, जब एन से यहाँ से टकराता है तो ये आपतन कोण है, ये यहाँ से यहाँ जो कोण बनता है, जो अभिलंब बन रहा है, अब ये एन से यहाँ जो अभिलंब डाला जा रहा है, इस तरीके से अभिलंब होता है ये अभिलंब, तो ये अभिलंब डाला जा रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एन हमारा अभिलंब हो गया। अब जैसे इसमें नेक्स्ट बिंदु है आपतन कोण, अब यहाँ पर इस आपतन कोण को हम आय से निरूपित करेंगे, तो ये हमारा आपतन किरण से जो किरण यहाँ से जो एंगल बनता है वापस जब लौटती है, तो ये हमारा आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण वापस लौटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और ये परावर्तन कोण होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो देखें जैसे इसमें परावर्तन के नियम में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि आपतित किरण, अब देखिए आपतित किरण यहाँ इस पॉइंट पर टकराई,
और ये भी अपरावर्तक किरण यहाँ पर एक पॉइंट टकराई, और ये एन जो है हमारा ये अभिलंबी एक ही पॉइंट्स पे टकराया, ये दोनों एक ही पॉइंट्स पे टकराते हैं। तो ये क्या नियम कहलाता है कि जब कोई ये तीनों पॉइंट्स एक ही तरफ टकराते हैं, तो जैसे कागज़ है, कागज़ पर कोई पॉइंट एक ले लेते हो बना लेते हैं, ये तीनों एक ही जगह टकराते। दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये एंगल चेक कर लो, बहुत अच्छा है। आपतन कोण इज इक्वल परावर्तन कोण। ये अभी एग्जांपल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये हेल्प करेगा बहुत, तो ये ध्यान रखो। अब कैसे बराबर होता है ये भी बता देते। देखो जब सूर्य किरण यहाँ इस पर तल पर टकरा रही है, उसी माध्यम में टकरा रही है जिस माध्यम में ये वापस लौट रही, तो इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब हमारा एन एक अभिलंब है, ये एक मिड पॉइंट है, इस पर सारी टकरा रही है, जिसे हम आपतन कोण को आयतन निरूपित करते हैं और इसे आर, तो क्या करेंगे आई इज इक्वल आर, तो ये आपस में दोनों कोण बराबर होते हैं। अब उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, अब जैसे हम ये सारे पॉइंट बता दो दिए हैं, इनकी लिमिटेड सी होती है कि हम जनरली अगर हम जैसे अगर किसी पे कागज़ पे या किसी के माध्यम से कुछ चेक करना चाहते हो तो हम इसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने बताया था परावर्तित किरण, कोई कांच ले सकते हैं या कोई चिकना तार ले सकते हैं, उस पर हम प्रकाश की लाइट डालेंगे, चाहे मोबाइल की हो, चाहे टॉर्च की हो, चाहे बल्ब के माध्यम से हो, तो इसे डालकर हम सीधा चेक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक और कुछ क्वालिटीज और हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख तो सकते हैं, केवल वह प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। मैंने अभी पिछले राउंड में भी बताया था कि प्रकाश कभी स्वयं दिखाई नहीं देता है, उसके माध्यम से हम वस्तुओं को चेक कर सकते हैं। और प्रकाश साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं जो कार्य करते हैं, आज के लगभग पुरातन व्यवस्था में चले जाओ पुराने समय में, तो लोग क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश से अपना समय बता देते थे कि आज सुबह दोपहर और शाम, सूर्य की वजह से बता सकते थे कि शाम का टाइम क्या होगा, दोपहर का क्या होगा और सुबह का क्या होगी, क्योंकि ये हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया कि अगर हम इसे चेक करें, प्रकाश तरंग की तरंग जो है एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की जो प्रकाश की रेज होती है किरण, वो हमेशा तरल पथ मतलब एक सरल पथ पर। अब रीजन जैसे हम यहाँ पर अगर हम प्रकाश एक लगा देते, मान लिया मोमबत्ती हमने लगा दी, और उससे अगर हम प्रकाश चेक करेंगे तो हमेशा इसी मिड पॉइंट मतलब सीधा मिड पॉइंट से होते हुए सीधी लिमिट से वहाँ प्रकाश फैलाते हुए चली जाए, क्योंकि ये सरल पदार्थ एक सरल जगह और तरल वस्तु में भी और आसानी से हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम भी बता दिए, ये परावर्तन किस तरीके से होता है। अब प्रतिबिंब की बारी आती है। प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखते हैं तो दर्पण उस वस्तु की आकृति वाली है, या इमेज प्रतिबिंब, बहुत सरल भाषा में प्रतिबिंब क्या होता है। जनरली हम देखते हैं कि जब कोई अगर लाइट है या कोई हमारे सामने कोई प्रकाश दिखाई देता है तो हमारी उसमें इमेज बनने लगती है। अब जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ एक बल्ब है, ये बल्ब इसकी अगर इमेज चेक करें तो यहाँ पर हमको हमें एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब देखो परछाई, हम लोग हमेशा कहते हैं कि परछाई हमेशा काली होती है, वो सही है कि जब बल्ब की यहाँ लाइट पड़ेगी तो ये सीधा सीधा हमें इमेज दिखाई देगी। अब इमेज में क्या कुछ रीजन्स होते हैं, कोई इमेज आवासीय होती है, कोई वास्तविक होती है। अब यहीं पे अगर बल्ब की जगह अगर हम पॉलीथीन लगा दें या हमें कोई कांच लगा दें तो हमें इमेज जो बल्ब का जो लाइट होती है वो कांच से बाहर की ओर चली जाती, तो हमें कोई इमेज नहीं दिखाई देती। इसी में दो प्रतिबिंब के दो टाइप्स होते हैं, आवासीय प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आवासीय प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर, जब यहाँ से प्रकाश किसी बिंदु से चलकर और पार कर जाता है किसी किरण या किसी माध्यम को, कांच है जैसे पॉलीथीन है, तो वो हमारा आवासीय मतलब मुझे आवासीय से मतलब प्रतिबिंब होने लगता है, यहाँ कोई हमारी इमेज बन रही है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जैसे वास्तव में जैसे हम ही लोग खड़े हैं, हमारे पर कोई लाइट डाल देता है तो हमारे पीठ पीछे एक बिंब दिखाई देने लगता है। अब जैसे हम लोग कांच के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी मतलब जैसे कोई प्रकाश हो, अगर हम कांच के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी उसमें एक आकृति बन के आ जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसी माध्यम से हम लोग साइंस में कुछ साइंस से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ ये दो तीन टॉपिक्स करा पाए, अगले राउंड में हम पूरे कराएंगे। तो मेन रीज़न क्या है, इसका जो मींस है बहुत सरल है, ऐसी कि सरल पॉइंट से मिड पॉइंट से हम साधारण बताते चलेंगे, आसानी से समझ सकोगे। तो सभी लोग इस वीडियो को देखें अच्छी तरीके से और समझने का प्रयास करें, और इसमें कोई अगर मिसिंग लगती है जैसे कोई तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स है या कोई, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आप इससे पता कर सकते हो।